5 बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म इन 2024। 2023 और 2022 के अंदर भी मैंने OTT की रैंकिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी और उनके नए प्लान्स के ऊपर। 2024 में वो रैंकिंग चेंज हो चुकी है और अब OTT के नए प्लान्स भी आ चुके हैं और काफी सारों के ऊपर जो कंटेंट है वो भी चेंज हो चुका है। तो 2024 में आपके लिए बेस्ट OTT कौन सा रहने वाला है, किसके नए प्लान कौन से आए हैं और आपको कौन सा लेना चाहिए। भाई सोनी लिव की जो रैंकिंग है वो पहले भी 5 के ऊपर थी, अभी भी ये 5 के ऊपर है, बट सोनी लिव के अंदर काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। सोनी लिव मोस्टली उन सब के लिए फेमस है जो कि आपको सीरियल देखने को मिलते हैं, जैसे कि तारक मेहता हो गया, WWE हो गया, शार्क टैंक हो गया, और जो सोनी वाले चैनल है वो आपको सारा कंटेंट इसके ऊपर देखने को मिलता है। इसके अलावा आजकल आपको काफी सारी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की और ग्लोबल कंटेंट भी देखने को मिलता है। काफी सारी आजकल आपको वेब सीरीज भी देखने को मिल जाएंगी सोनी लिव के ऊपर, तो ये धीरे धीरे ग्रोथ करता जा रहा है। जो आपको रीजनल देखने को मिलती है वो सब भी आपको इसके साथ देखने को मिलेगी, बट मोस्टली आपको सोनी चैनल का ही कंटेंट देखने को मिलता है। इसके प्लान्स की बात करें तो 299 का मंथली, 699 का 6 मंथ का और 1000 रुपए का 1 ईयर का आने वाला है और 599 का 1 साल आएगा, बट वो मोबाइल का ही होने वाला है। सोनी लिव के साथ साथ 5वें नंबर के ऊपर काफी सारे और OTT भी आते हैं, जैसे कि MX प्लेयर हो गया, वूट हो गया और इससे रिलेटेड कुछ और हैं, वो भी आप 5वें या फिर इससे भी 12 पर रख सकते हो। आपको MX प्लेयर के ऊपर भी काफी अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है, आप वहां पर फ्री में भी दे सकते हो एड्स के साथ, बट वो अभी इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है, उसको भी और ज्यादा टाइम लगने वाला है। और जियो सिनेमा पिछली बार कोई रैंकिंग के अंदर नहीं था, बट इस बार ये सीधा ही 4th नंबर के ऊपर आ चुका है, क्योंकि जियो सिनेमा के ऊपर आपको आजकल काफी सारा कुछ देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपको फ्री में IPL भी देखने को मिला था, फ्री में फुटबॉल भी देखने को मिली थी, और अभी आपको हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और पूरा ग्लोबल कंटेंट देखने को मिलता है और काफी सारी चीजें बिल्कुल फ्री में देखने को मिलती है एड के साथ। काफी सारे इन्होंने बॉलीवुड मूवीज को और हॉलीवुड मूवीज को ऐड किया है जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। काफी सारा आपको सीरियल वाला कंटेंट भी देखने को मिलता है, काफी सारे आपको एनिम भी देखने को मिलेंगे और अलग वाला टीवी शो भी देखने को मिलते हैं। तो जियो सिनेमा ने काफी अच्छी ग्रोथ की है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। जियो सिनेमा के ऊपर आज के टाइम में आपको काफी सारी वेब सीरीज देखने को मिलती है और जो नई वाली मूवी ऐड होती है वो इसके ऊपर भी ऐड हो जाती है। काफी सारे OTT प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसका कंटेंट आपको इसके ऊपर भी देखने को मिलता है और इन्होंने काफी सारों के साथ पार्टनरशिप भी की है, यानी कि इसके ऊपर भी आपको काफी सारा कंटेंट देखने को मिलता है। कुछ आपको MCU के, DC के और हॉलीवुड का कंटेंट भी देखने को मिलता है। अगर इसके प्लान्स की बात करें तो एक ही प्लान देखने को मिलेगा जो कि 999 का होने वाला है पूरे 1 साल के लिए और ये 4 डिवाइस के अंदर काम करने वाला है। तो जियो सिनेमा काफी अच्छा है, आप चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली चीजें आपको फ्री में ही देखने को मिल जाएंगी एड के साथ। थर्ड, Amazon Prime काफी टाइम से नंबर 1 के ऊपर था, बट यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ी रैंकिंग को डिक्रीज कर दिया है। अगर आपके पास Amazon का सब्सक्रिप्शन भी है तो भी आपको काफी सारा कंटेंट इसके ऊपर ऐसा देखने को मिलता है जिसके आपको रेंट के पैसे भरने पड़ते हैं, तो रेंट एक काफी ज्यादा खराब चीज है, बट कुछ दिन ऐसे आते हैं जहां पर आपको रेंट वाला कंटेंट भी फ्री में देखने को मिलता है। अगर आप रेंट को इग्नोर कर दो तो इसके ऊपर काफी कमाल की मूवीज और वेब सीरीज देखने को मिलती है, इसकी टक्कर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट जो रेंट का कंटेंट आता है इसकी वजह से इसको मैंने रैंकिंग को डिक्रीज कर दिया है। अगर इसके ऊपर रेंट वाला कंटेंट ना हो तो ये अभी भी नंबर 1 के ऊपर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री डिलीवरी देखने को मिलेगी, फास्ट डिलीवरी आती है, प्राइम म्यूजिक का सपोर्ट आता है, कुछ यहाँ पर आपको बुक्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और Amazon प्राइम की काफी सारी और भी एप्स है उसका भी आपको फ्री में सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल Amazon प्राइम के ऊपर आपको काफी बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपको काफी सारी लैंग्वेज का कंटेंट मिलता है, ऑस्कर लेवल की मूवीज भी देखने को मिलती है, तो ये ओवरऑल काफी अच्छा है। इसके प्लान्स के बारे में जानते हैं, 299 का 1 मंथ का, 599 का 3 मंथ का, 1499 का 1 साल का और 799 का 1 ईयर का देखने को मिलेगा जो कि लाइट वर्जन होने वाला है। सो ओवरऑल जो इसके प्लान है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। पहले से इन्होंने इसके प्लान को इंक्रीज कर दिया है, पहले थोड़े सस्ते आते थे बट अब महंगे हो चुके हैं, बट अगर आपकी ये 24 साल है तो आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है इसके 1 ईयर के प्लान के साथ, यानी कि लगभग 750 का प्लान देखने को मिलेगा 1 साल वाला जो इसका प्रीमियम आता है, तो ये थोड़ा बहुत सस्ता आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको काफी बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता है और ये अभी से नहीं काफी पहले से ही देखने को मिलता है और डिज्नी हॉटस्टार काफी सारी चीजों का और कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको मार्वल और DC या फिर इसी तरह के ग्लोबल कंटेंट पसंद है तो आपको डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर ये सब देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपको काफी सारे मैच और स्पोर्ट्स के भी काफी आइटम देखने को मिलेंगे, इसी वजह से काफी ज्यादा फेमस है। मोस्टली ये MCU की वजह से, वेब सीरीज की वजह से और क्रिकेट की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। इसके प्लान्स की बात करें तो 149 का 3 मंथ का मोबाइल का,
499 का 1 ईयर का मोबाइल का और 299 का 3 मंथ्स का जो कि ओल का होने वाला है, 899 का 1 ईयर का, 499 का 3 मंथ्स का 4K वाला, 1499 का 1 ईयर का 4K वाला। ओवरऑल जो इसके मोबाइल और पीसी दोनों के प्लान है, इसके अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। बट हॉटस्टार के ऊपर जो कंटेंट है ये पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा कम हुआ है, अगर ये ऐसा ही करता रहा तो ये अपनी रैंकिंग को भी डिक्रीज कर सकता है। फर्स्ट नेटफ्लिक्स है नंबर 1 के ऊपर। जितनी भी फेमस वेब सीरीज है, मूवीज है और जो नई वाली आती है वो सब आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलती है। जितना भी नया वाला कंटेंट होता है या फिर ज्यादातर कंटेंट होता है ये सब आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर ही देखने को मिलेगा। आप नेटफ्लिक्स के ऊपर बोर नहीं होने वाले हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको सिर्फ वेब सीरीज और मूवी नहीं बल्कि गेम भी देखने को मिलते हैं। आजकल आपको GTA के भी काफी सारे गेम नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। काफी सारे टीवी शोज आते हैं और डॉक्यूमेंट्री भी आती है जो कि नेटफ्लिक्स की काफी ज्यादा टॉप लेवल होती है, तो नेटफ्लिक्स कंटेंट के ऊपर 1 नंबर का रहने वाला है। इसके प्लान्स की बात करें तो 149 का 1 मंथ का मोबाइल 480p, 199 का 1 मंथ का 720p, 499 का 1 मंथ का 128p, 499 का 1 मंथ का HD, 649 का 1 मंथ का 4K। सो ये थे नेटफ्लिक्स के प्लान। सबसे महंगे प्लान आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर ही देखने को मिलते हैं, बट सबसे बढ़िया चीजें आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर ही देखने को मिलेंगी। ओवरऑल ये थे वो टॉप 5 OTT प्लेटफॉर्म जो कि आप 2024 में देख सकते हो। इसकी रैंकिंग और प्राइस काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।